Hello friends, good afternoon. I am Naval and you are watching Manav Future channel. आज हम आपको other type passive voice किस तरह से करते हैं इसके बारे में बताएंगे. लेकिन बताने से पहले आपसे एक request है, जिन्होंने मेरा channel subscribe नहीं किया है please वह मेरा channel subscribe कर दें, और जिन्होंने कर दिया है उन सब के लिए thanks. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ other type passive voice किस तरह से करते हैं, और ये काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन्हें बनाएं कैसे. तो आपको इन्हें ध्यान समझना है ताकि आप अपने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सकें. देखिए यदि एक्टिव वॉइस में कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट, यदि एक्टिव वॉइस में कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट इत्यादि शब्द हैं, तो पैसे वॉइस बनाने के लिए आपको बाय के पैसे वॉइस बनाने के लिए आपको बी लगाना है. यदि एक्टिव वॉइस में कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट ये दिए हैं, मॉडल ऑफ दिए हैं, तो आप पैसे वॉइस बनाएंगे तो इनके तुरंत बाद बी लगाना है. बी इनके तुरंत बाद बी लगाना है. देखिए जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा इंग्लिश कैन बी. भाई ये शब्द आए तो इनके तुरंत बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, तो बी आ गया. थर्ड फॉर्म इसकी स्पोकन बाय मी, क्लियर. आगे कह रहा है यदि एक्टिव वॉइस में कैन हैव कुड हैव मे हैव माइट हैव शुड हैव वुड हैव मस्ट हैव, यदि एक्टिव वॉइस में कैन हैव कुड हैव मे हैव माइट हैव शुड हैव वुड हैव मस्ट हैव इतने शब्द दिए हैं, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके तुरंत बाद बीन लगाते हैं. क्या लगाते हैं, बीन. जैसे आई कुड हैव रिटन अ लेटर, आई कुड हैव रिटन अ लेटर, तो सबसे पहले क्या आएगा, अ लेटर कुड हैव बीन, थर्ड फॉर्म का रिटर्न का रिटर्न देगा रिटर्न वाय मी, यानी जब बाकी में कैन हैव कुड कुड हैव मी हैव शुड हैव वुड हैव मस्ट हैव इत्यादि शब्द दिए हैं, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको इनके तुरंत बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है. जैसे आई कुड हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर कुड हैव बीन रिटर्न बाय मी, कुड हैव बीन हैव के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है. क्या लगाना है, बी, क्लियर. आगे क्या है, यदि एक्टिव वॉइस में इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड, इनके तुरंत बाद टू दिया जाए. यदि एक्टिव वॉइस में इज आर एम वाज वर हैज हैव और हैड इनके तुरंत बाद टू दिया जाए, और पैसिव वॉइस बनाना हो टू के बाद में लगाना हो बी. कैसे, आई एम टू ईट फूड, तो फूड इधर आएगा, ईट टू टू के बाद में क्या लगा रहे हैं, पैसे बनाएंगे बी ईटिंग बाय मी, तो ये जा रहे हैं बॉल पर हैज हैड. अगर इनके बाद में टू आता है तो पैसे को बनाएंगे आप, तो क्या लगाना आपको, बी लगाना है. आई एम टू ईट फूड, तो फूड इज टू बी ईटन बाय मी, टू के बाद में क्या लगा दिया, बी लगा दिया. आगे देखिए यदि वाक्य में दो वर्ब दिए हैं, कितनी, दो. यदि वाक्य में दो वर्ब दिए हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो लास्ट वाली जो क्रिया होगी ना, जो लास्ट वाली जो क्रिया होगी उसकी तो आपको थर्ड फॉर्म लगानी है,
और टू के बाद क्या लगाना है, बी लगाना है। यदि वाक्य में दो वर्ब दिए जाएं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए लास्ट वाली क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और टू के बाद बी लगाते हैं। जैसे देखिए आई एम गोइंग टू बाय बुक्स, आई एम गोइंग टू बाय बुक्स। अब देखो दो वर्ब दिए इसमें, बाय मीन्स खरीदना, गो मीन्स जाना। जब दो वर्ब दी जाती हैं तो पैसे पर बनाने के लिए अंत वाली क्रिया जो लास्ट वाली क्रिया घर में लगाते हैं और टू के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, बुक्स। ये प्लूरल आर, इसका गोइंग टू के बाद क्या रहेगा, बी। थर्ड फॉर्म लास्ट वाली क्रिया की बॉड, बाय आई का क्या होगा, मी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर एंटोन वर्ब, फिर वर्ब मेन वर्ब, टू के बाद में क्या लगाएंगे, बी, और लास्ट वाली क्रिया थर्ड फॉर्म बाय और आई का ऑब्जेक्ट में मी। क्लियर। आगे लास्ट आ गया, जब वाक्य में समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, पीपल, प्लेस। जब वाक्य में समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, पीपल, प्लेस इत्यादि शब्द दिए जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए जैसे देखिए समवन स्टील्स माय पेन, मेरा पेन रोजाना कोई चुराता है, रोजाना मेरा पेन कोई चुराता है। तो सबसे पहले आपको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट माय पेन इज थर्ड फॉर्म स्टोलन डे। अब इसमें बाय समवन नहीं लगे, क्यों नहीं लाएंगे, मैंने आपको पहले बता दिया था जब बाकी में समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, नन, पीपल, प्लेस अगर ये दिया जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इन शब्दों को हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि ये शब्द निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। समवन स्टील्स माय पेन डेली, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा माय पेन इज स्टोलन बाय समवन ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि इन शब्दों को हटा दिया है। क्लियर। और देखो एक सेंटेंस और, जैसे लगा था पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ, तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, द थीफ, द थीफ एक वचन सिंगुलर हो गया तो क्या लगा देंगे, वॉज। थर्ड फॉर्म क्या हुई, कॉट बाय द पुलिस। तो अब ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, जब वाक्य में समवन, नोवन, एवरीवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, पीपल, पुलिस, अब पुलिस आ गया, क्या गया, ये रहा। और नन, अगर पुलिस शब्द दिया गया, पीपल या कोई भी संदेश दिया गया तो आपको लगाना नहीं है, तो यहाँ पर बाय द पुलिस गलत है, ये यहाँ तक सही होगा, ओनली कॉट, द थीफ वाज कॉट। क्लियर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।